हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही कमाल का एक ट्रिक बताने वाला हूं, और इस ट्रिक को अगर आप अपने काम में यूज करेंगे तो इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। तो चलिए इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं कि इस ट्रिक में मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा और उसके बाद में उसका जेंडर लिखूंगा और उसका मार्क्स लिखूंगा। तो अगर जेंडर मेल होगा तो स्टूडेंट नेम के आगे ऑटोमेटिकली मिस्टर लग जाएगा, फीमेल होगा तो स्टूडेंट नेम के आगे ऑटोमेटिकली मिस लग जाएगा। और ऐसे ही मार्क्स के ऊपर भी मैं चाहता हूं कि जिसका मार्क्स 65 से अबव हो उस पर वेरी गुड लग जाए, ऐसा कुछ। तो यहाँ हम लोग इस काम को करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। और यहाँ एक मैं और काम करना चाहता हूँ कि क्वांटिटी अगर मैं 1 से बिलो देता हूँ तो ग्राम उसके साथ लग जाए, 1 या 1 से अबव देता हूँ तो किलोग्राम लग जाए। तो इस काम को हम लोग कंट्रोल 1 प्लस करके सेल फॉर्मेटिंग में जाके कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में। पर नंबर फॉर्मेट उतने में ही काम करता है जितने सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं, और सब में वो लागू हो जाता है। पर यहाँ मैं एक कंडीशन लगा के, एक शर्त लगा के इस काम को करना चाहता हूँ। चलिए इसका एक डेमो ले लीजिए। जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ नाम लिखा अमन पटेल और इनका मैंने लिखा मेल, तो देखिए इनके आगे मिस्टर लग गया। मैंने यहाँ पे लिखा मान लेते हैं राधा देवी और यहाँ मैंने फीमेल लिखा, देखिए मिस लग गया। मैंने यहाँ पर गीता देवी लिखा, यहाँ फीमेल, तो देखिए मिस लिख गया। तो मिस्टर और मिस जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसके जेंडर के बिहाव पे लग जाएगा। मार्क्स जैसे 75 या उससे अबव पे मैंने वेरी गुड लगा रखा है, मैंने ये दे दिया 78, वेरी गुड आ गया, 15 पे नहीं आया। क्वांटिटी का अगर डिमॉन्स्ट्रेशन देखो तो मैंने पॉइंट में वैल्यू दिया, ग्राम आ गया, होल नंबर दिया तो वहाँ पर किलोग्राम आ गया। तो ये कैसे करना है उसी का ही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा डेमो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर करिए। चलिए देख लेते हैं कि यह काम कैसे किया जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं आपको ये सिखाऊं कि यह काम कैसे होना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं काम करने वाला हूं, मैं थोड़ा जूम बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई पड़े। तो मैं चाहता ये हूं कि मैं स्टूडेंट का जो नाम है इस पर मुझे मिस्टर या मिस लगाना है अकॉर्डिंग टू जेंडर। तो अभी आप क्या करोगे, स्टूडेंट्स नेम वाले एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओगे, आप न्यू रूल में आ जाओगे। इसमें मिलेगा आपको यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको ले लीजिए। और आपको यहाँ पर एक फार्मूला लिखना होगा तो इक्वल का निशान लगेगा। अब निर्णय जो होगा वो जेंडर से होगा, तो जेंडर के पहले वाले सेल का एड्रेस दे दीजिए और रो के आगे आप डॉलर हटा दीजिए चूंकि इसे लॉक नहीं करना है। और फिर यहाँ इक्वल लगाया, यहाँ मैंने मेल लिख दिया और इसे मैंने बंद कर दिया। मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि अभी फीमेल के लिए भी मुझे लगाना होगा। फिर फॉर्मेट में आप आते हो तो आपको मिलता है ना फिल, बॉर्डर, फॉन्ट, पर इसमें आपको ध्यान नहीं दिया होगा नंबर फॉर्मेट भी मिलता है। मैं जो कंडीशन लगाया वो उसी पे लागू होगा, नंबर फॉर्मेट जो आप यहाँ डिफाइन करोगे। कस्टम में जाइए, कस्टम में आप टाइप के अंदर कैपिटल लेटर में यहाँ मिस्टर लिख दीजिए, एक स्पेस करिए, एट द रेट ऑफ, माने जो नाम है वो रहेगा मगर उससे पहले मिस्टर लग जाएगा। अगर एट द रेट ऑफ पहले लगा देते, मिस्टर बाद में लगा देते तो बाद में लगता, और एट द रेट ऑफ स्ट्रिंग के लिए लगता है। अभी आप क्या करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे तो ये मेल के लिए काम करेगा। अगर मैं अभी आलोक लिखूँ तो मेल आएगा, सुमन लिखूंगा तो अभी फीमेल के हिसाब से सुमन के आगे मिस नहीं लगेगा। अगर मैं आलोक और मेल लिखता हूँ तो आलोक के आगे मिस्टर लग जाएगा क्योंकि अभी मैंने मेल के लिए लगाया है। अब ये सेल पूरा सेलेक्ट है ही है, आप फीमेल के लिए भी कर लीजिए। अभी आप यहाँ आ जाइए न्यू रूल, न्यू रूल में चलते हैं यूज़ ए फार्मूला डिटरमाइन पे। आप फार्मूला मैंने इसीलिए कॉपी कर लिया था। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर फीमेल केवल कर देना है। फार्मेट में मैं गया, फार्मेट में कस्टम में आ जाओ, टाइप में आपको यहाँ पर मिस या मिसेस जो उचित लगता है वो लिखिए आप, और फिर यहाँ पर एट द रेट ऑफ।
अभी आप ओके कर दीजिए। और फिर ओके कर दिए, चलिए यहाँ पे टाइपिंग करते हैं। आलोक कुमार, मैंने यहाँ लिखा मेल, तो देखिए मिस्टर लग गया। मैंने यहाँ लिखा उषा कुमारी और यहाँ मैंने लिखा फीमेल, मिस लग गया। तो अब आपको करना क्या है, आप नाम दीजिए, जेंडर दीजिए, जेंडर के बिहाफ पे आपका मिस्टर और मिस तुरंत लग जाएगा, है ना कमाल का चीज। तो यहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मदद से नंबर फॉर्मेट किया हुआ है। अभी मैं मार्क्स के लिए कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्क्स के लिए एक शर्त बना लूँ कि 60 से अबव होगा तो गुड आएगा, 60 से कम पे कुछ नहीं आएगा। सारे मार्क्स को सेलेक्ट किया गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, न्यू रूल में चलते हैं, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन में गए। अब यहाँ पर जो मार्क्स है वही ही फैसला करेगा कि गुड आएगा कि क्या आएगा। तो इस मार्क्स के पहले सेल को लिया गया, रो नंबर के आगे डॉलर हटा दिया गया और यहाँ मैंने लिखा ग्रेटर देन एंड इक्वल, चलो 65 ले लेते हैं। मैं फॉर्मेट में आता हूँ, कस्टम में चलता हूँ, टाइप के अंदर यहाँ पे मुझे लिखना है गुड और एक स्पेस किया, हैश का नंबर साइन लगता है। नंबर के लिए हैश पहले लगाओगे तो मार्क्स पहले लिख के आएगा, गुड बाद में आएगा। अभी चलिए ओके करते हैं, फिर अगेन ओके करते हैं, चलिए मार्क्स लिखते हैं 12, चूंकि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 78 देखिए गुड आ गया, 56 नहीं कर रहा है, 77 कर रहा है, 89 कर रहा है, तो ये ऑटो आपका करता रहेगा काम। तो बहुत ही गजब की चीज है, मैंने तो एक ट्रायल दिया है अपने इस डेटा पे। आगे आप किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपने डेटा पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए क्वांटिटी के लिए देख लेते हैं। क्वांटिटी का सिचुएशन ये है कि अगर 1 से कम है तो ग्राम और 1 से अधिक या 1 है तो किलोग्राम। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में चलते हैं, यूज ए फार्मूला में चलते हैं। फार्मूला से पहले इक्वल का निशान लगाइए और इस क्वांटिटी के पहले सेल को लीजिए, रो के आगे डॉलर हटाइए, लाख माने ना रहे। यहाँ लिख दिया लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब हमारा जो होगा यूनिट वो ग्राम का होगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम में आया, कस्टम में आने के बाद मैंने यहाँ पर ग्राम लिख दिया और उसके बाद में ग्राम लिख दिया, मगर उससे पहले मुझे क्या करना होगा, चूंकि ये फ्रैक्शनल में है तो 0.0 लिखिए और फिर यहाँ पर ग्राम्स लिखिए, इन्वर्टेड कोड लगा के ओके कर दीजिए। अब फिर ओके कर दिया, अब सेम मुझे 1 या 1 से अधिक के लिए किलोग्राम लगाना है। तो सारा क्वांटिटी का सेल सेलेक्ट होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में आते हैं, यूज ए फार्मूला को लिया, यहाँ मैंने क्वांटिटी के पहले सेल को दिया, रो के आगे डॉलर हटा दिया, यहाँ लगा दिया कि ग्रेटर देन एंड इक्वल, पहले लेस देन था और यहाँ 1 लिखा। फॉर्मेट में चलते हैं, अगर ऐसा है तो कस्टम में, कस्टम में मैं चलता हूँ, यहाँ पे 0.0 लिखता हूँ, यहाँ पे किलो ग्राम दे देता हूँ और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 रूल लगा दिया है, चलते वैल्यू दे के देखते हैं। जैसे मैंने 1 दे दिया तो देखिए ये 1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ग्रेटर देन इक्वल ग्राम आ गया, 0.2 में ग्राम केवल आया, 1 में किलोग्राम आया था। तो अगर आप 1 या 1 से अधिक लिखोगे तो किलोग्राम आएगा, उससे अगर छोटी यूनिट दोगे तो ग्राम आएगा, और अगर इनको आप सम वगैरह करते हो तो उस पर भी ये फॉर्मेट अप्लीकेबल होती रहेगी। तो बहुत ही गजब का ये ट्रिक है, आप इसको यूज करिए और यूज करने पे अगर आपको कहीं भी लगेगा कि कोई समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर अपने समस्या को शेयर करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाया करूँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय भारत, वंदे मातरम।